आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं गुना और छिंदवाड़ा से जहां पर कांग्रेस पार्टी दोनों ही जगह से पीछे चल रही है। गुना लोकसभा सीट का ये घमासान है जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के केपी यादव 1482 वोटों से आगे चल रहे। दूसरे राउंड की गिनती यहां पे खत्म हो चुकी है। कांग्रेस का ये मजबूत गढ़ कहा जाता है और माना जाता है गुना। लंबे वक्त से ज्योतिरादित्य सिंधिया सीट का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के दंगल का भी समीकरण आपको बता देते हैं और जो रुझान आ रहे हैं पहले राउंड की गिनती यहां भी खत्म हो गई और बीजेपी के नखंशा आगे चल रहे हैं। तो छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी को 3722 वोटों के साथ नखंशा यहां पे आपको बता रहे आगे चल रहे हैं, तो बड़ी खबर बता रहे हैं। और ये दोनों ही सीटें कांग्रेस का गढ़ कही जाती हैं और जब यहां पर अगर इस तरह की स्थिति है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले रिजल्ट आखिर क्या होंगे। हमारे साथ बेहद ही खास पैनल जुड़ा हुआ है, आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तपन तोमर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। तपन जी बहुत स्वागत है। और हम साथ ही सुदेश शर्मा जी हैं, सुदेश शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और रायपुर स्टूडियो से कांग्रेस नेता राकेश जी भी जुड़ गए हैं, राकेश गुप्ता जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्टेट ब्यूरो हेड अनिल सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अनिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और यहाँ पर बीजेपी के लिए बड़ी खबर बता दें, कुल 542 सीटों पर ये दंगल हो रहा है। 274 सीटों का जो आंकड़ा है वो बीजेपी पार कर गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। तपन जी, जो नतीजे आ रहे हैं वो तो पूरे के पूरे पार्टी के फेवर में है। जी रक्ष जी, देखिए स्वाभाविक है, पिछले 5 वर्षों में मोदी जी ने जमीनी स्तर पर जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे उनकी जो मूलभूत आवश्यक सुविधाएं थी उनको लेकर के जिस तरह से काम किया और उन तक वो सुविधाएं केवल कागज पर नहीं वास्तविकता में उनके जीवन तक पहुंचाई और देश के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं राष्ट्रवाद और सबका साथ और सबका विकास लेकर के, कहीं ना कहीं भारत देश की जनता का मन उन्होंने जीता है, मतदाता का मन उन्होंने जीता है और यही बात रुझानों में साफ दिखाई देती है। हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि हम लोग 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जीतने जा रहे हैं। मैं 300 कह रही हूं, आंकड़ा बढ़ भी सकता है और एनडीए की 2/3 मत की सरकार भारत देश में फिर से बनने वाली है और इसके लिए मतदाता बधाई के पात्र हैं। जी बिल्कुल सुदेश जी, जिस तरह से अगर हम गुना और छिंदवाड़ा की बात करते हैं ये जो नतीजे आ रहे हैं ये तो अनएक्सपेक्टेड निकले। देखिए जहां तक मैं समझता हूँ अभी रुझान है, शुरुआती रुझान में आगे पीछे ये सब चलता रहेगा, थोड़ा सा आप देखिए 12 बजे तक तस्वीर सामने होगी। निश्चित तौर पर जो हमारा दावा मध्य प्रदेश में है उस दावे पे हम अभी भी कायम है, 20 तक सीटें हम जीतने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया हमारी बहन तपन जी अभी जैसा बोल रही थी कि 300 से ऊपर जाने वाले हैं, तो ये एग्जिट पोल आया या रुझान आया खुशी के लिए उनका ठीक है खुश होना, लेकिन नतीजा जब जीत का प्रमाण पत्र मिलेगा तब आप देख लेना तस्वीर इसके इतर होगी। लेकिन अगर जो नतीजे आ रहे हैं उसमें अगर हम देखें तो 278 तो यहाँ पे मतलब लगभग रुझानों के हिसाब से अगर बात करें तो देखिए रुझान आना इसमें पूरी मतगणना थोड़ी ना कोई आ गई है, जिसमें विधानसभाओं का पहले मत आता जहाँ निश्चित तौर पर आपके भाजपा के विधायक या गढ़ रहे होंगे उनकी अगर काउंटिंग हो रही है तो आप आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन जब देखा मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है जहाँ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हमारा कांग्रेस का एमएलए है, जब वो विधानसभाएं आएंगी तो ये अंतर इतना होगा कि इनकी जो बढ़त है उसको पाट के, जैसे गुना का नाम लिया आपने तो गुना में मैं समझता हूँ माननीय श्री सिंधिया जी बहुत अच्छे अंतर से जीतने वाले हैं, इसी तरह छिंदवाड़ा की भी स्थिति है। तो ये रुझान पे अगर बात करें तो निश्चित तौर पे रुझान कोई अभी परिणाम में परिवर्तित नहीं हुए। सही बात है, इंतजार करना भी चाहिए और पॉजिटिव एस्पेक्ट रखना भी चाहिए। राकेश जी आपका रुख करूंगी, अगर जिस तरह से जो हम छत्तीसगढ़ के रुझान देख रहे हैं पहले तो कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी अब बीजेपी आगे चल रही है और वहीं अगर रायपुर जैसे हम हाई प्रोफाइल सीट की बात करते हैं तो बीजेपी वहां पे 10,000 वोटों से आगे चल रही है।
राकेश जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा इनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, जो रुझान आ रहे हैं वो वाकई में अनएक्सपेक्टेड है। अगर हाई प्रोफाइल सीट राहुल गांधी अमेठी जैसी सीट से अगर पीछे चल रहे हैं तो क्या समझा जाए फिर? देखिए 2014 हो जाते 2014 में मनमोहन सिंह सरकार 10 साल का कार्यकाल पूरा कर गई थी और उस समय कांग्रेस ने नारा दिया था चुनाव में। कांग्रेस जिस नारे के साथ उतरी थी, हर हाथ शक्ति देश की तरक्की, ये नारा कांग्रेस का था और बीजेपी की तरफ से नारा था कि एक बार नरेंद्र मोदी सरकार और अच्छे दिन। जब ये ट्रेंड चला, माहौल बना, उसके बाद कांग्रेस को अपना नारा बदलना पड़ा। मनमोहन सिंह की पिक्चर के स्थान पर राहुल गांधी की पिक्चर पोस्टर में नजर आई और नारा बदल गया, कट्टर सोच नहीं युवा जोश। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो कट्टर सोच का विषय तो अलग है, युवा जोश को जनता ने नकार दिया और नरेंद्र मोदी को जिताया। 2019 का जो चुनाव है ये मुझे लगता है 2014 से ज्यादा लहर यहां नजर आ रही है, क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी को के कार्यकाल को किसी ने देखा नहीं था। गुजरात मॉडल को लेकर लोग भरोसा कर रहे थे, अब नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देखा है और जिस तरीके से गांव में अब जैसे बात कर रहे हैं खजुराहो। अनिल जी रुकना चाहूंगी, दर्शकों को अपडेट कर देते हैं, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के जो रुझान आ रहे हैं उस पर हम अपडेट दें। 45 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 12 सीटों पर गठबंधन आगे चल रहा है और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, रायपुर सीट पर बीजेपी 11,000 वोटों से आगे चल रही है। आपको बता दें सतना में बीजेपी 9,000 वोटों से आगे चल रही है, धार में बीजेपी 3,477 मतों से आगे है, शहडोल में बीजेपी 25,000 वोटों की लीड बना के चल रही है और मंदसौर में बीजेपी 11,200 वोटों से लीड बनाकर चल रही है। रायपुर सीट पर बीजेपी 11,000 वोटों से आगे चल रही है। सुदेश जी, जो रुझान आ रहे हैं और जिस तरह से लीड बना के भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ये कांग्रेस की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये रुझान में 10,000 तक की या 12,000 तक की लीड बना लेना कोई बहुत बड़ी लीड नहीं होती, क्योंकि 18-18, 20-20 लाख मतदाता जिन्होंने वोट दिया है एक लोकसभा में, तो इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ये अभी आगे देखते जाइए, आप पेटियाँ खुलने दीजिए तो आप देखेंगे तस्वीर कुछ बिल्कुल इसके इतर होगी जो आप रुझान में देख रहे हैं। रुझान कभी पूरा नहीं होता। जैसे एग्जिट पोल की बात की जाए तो ये 90 करोड़ मतदाताओं का देश है। एग्जिट पोल 2004 में यहाँ पूरा नहीं हो पाया, एग्जिट पोल यहाँ 2009 में पूरा नहीं हो पाया। अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया 1,60,00,000 मतदाताओं का देश है और 56 एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया था और उसमें स्कॉट को हराने की बात सबने कही थी, लेकिन हमने देखा 2 दिन पहले उन्होंने अपना मंत्रिमंडल का गठन कर लिया, शपथ ग्रहण हो गई उनकी, तो एग्जिट पोल फेल होता है। इसी तरह ये रुझान में किसी भी व्यक्ति को किसी भी पार्टी को जिता देना या जीतने की बात कह देना, मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर ये बेईमानी है। हमारे साथ राकेश गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं। राकेश जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रुझानों में कांग्रेस पिछड़ती जा रही है और बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है, और अगर वही रायपुर की बात करें तो 11,000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है, कहां कमी देखते हैं आप? एक और बड़ी खबर बता देते हैं, आपको रोकना चाहूंगी राकेश जी, लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर बता देते हैं, जो रुझान आ रहा है वो एकदम अनएक्सपेक्टेड है। रायबरेली से सोनिया गांधी पीछे चल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने बढ़त बना ली है, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। और राकेश जी, आप अपनी बात कीजिए पूरी। देखिए, जो अंतिम रुझान है वो तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी लीड बनाई है और कुल जो सीटें हैं वो कांग्रेस प्लस अन्य करीब करीब बराबर हैं, तो मुझे लगता है कि अंतिम रुझान में सीटों का घटबढ़ हो सकता है। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में 1-2 सीटों की बढ़त और हो सकती है। कितनी कमी है वोटों की मुझे नहीं मालूम, लेकिन शुरुआत 1 या 2 दौर के रिजल्ट ये होंगे अभी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को 8 और 3 बीजेपी सीट। ठीक, लेकिन राकेश जी, अगर भाई अमेठी और रायबरेली की बात की जाए तो सोनिया गांधी भी पीछे चल रही है, राहुल गांधी भी पीछे चल रहे हैं।
देखिए वहाँ क्या हालात हैं, कितने दौर की गिनती हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी विनिंग सीट है, वहाँ पर हमारे दोनों नेता जीतने चाहिए। ठीक है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। अनिल जी आपका कमेंट चाहूंगी इस पर। जैसे मैं सुदेश जी को सुन रहा था, निश्चित तौर पर रुझान पर निकालना, जैसा कि सुदेश जी कहना है कि बेईमानी है। परिणाम जब राजनीति का बड़ा हो गया, परिणाम जब पक्ष में होते हैं तो गप गप, और जब परिणाम खिलाफ होते हैं तो ठीक रहे किसी और पर फोड़ा जाता है। अगर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, और परिणाम अगर खिलाफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल उठते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ईवीएम पर सवाल उठना, जैसा कि दूसरे दल भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं मतदाताओं के अधिकार का अपमान तो नहीं है? ये भी हारने वाले मित्रों को सोचना चाहिए। और जहां तक सवाल है, अभी देख रहे हैं रुझानों में 288, यानी कि रुझानों में तो एनडीए की सरकार साफ बनती दिख रही है, एग्जिट पोल भी ये कहते दिख रहे हैं, तो एग्जिट पोल मुझे नहीं लगता कई बार फेल हुए हैं। पिछले चुनाव में फेल हुए थे, जो कह सकते बिहार बिहार वगैरह के जो मामले थे, बाकी एग्जिट पोल 80-90% सही हुए सही हैं, होते हैं और में। इस बात को स्वीकार करके, अगर कांग्रेस इस बात को स्वीकारेगी तो समझा जाएगा जनता की मर्म को पहचान कर वो फील्ड में काम कर रही है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया आपको याद है बड़ी ताकत से चुनाव लड़े, निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी बड़े ताकत से चुनाव लड़े, और जब वो चुनाव जब तक उनके यहां वोटिंग नहीं हो गई उन्होंने छिंदवाड़ा नहीं छोड़ा, छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले। इसी तरह सिंधिया ने आसपास के जिलों में भी या आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार नहीं किया। बावजूद इसके अगर बीजेपी के उम्मीदवार या विरोधी दल के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं तो क्योंकि राष्ट्रीय नेताओं के लिए एक चैलेंज तो है कि वो जबकि माना जाता है कि राष्ट्रीय नेता जो है कार्यकर्ताओं के लिए एक रोल मॉडल होते हैं, वो उनके अच्छे कामों को कार्यकर्ता आगे बढ़ाते हैं, अगर शुरू से ही वो बढ़त नहीं बना पा रहे तो कहीं एक सवाल तो उठता है, सवाल उठते हैं वाकई में, और सवाल उठने भी लाजमी हो जाते हैं क्योंकि अट्रैक्टिव फेस ही राजनीति में सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि जमीन पर काम करना भी यहाँ पे बेहद जरूरी हो जाता है। फिर चाहे अगर हम हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें, सोनिया गांधी रायबरेली का प्रतिनिधित्व करती हैं और अमेठी से राहुल गांधी भी हैं। चर्चा हमारी लगातार जारी है, बहरहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सत्ता का संग्राम में हम 542 सीटों के महाकवरेज को लेकर एक बार फिर से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। चेयर फॉर द ब्राइट फ्यूचर एंड चीयर्स फॉर द न्यू कार। कुछ और ऑर्डर करेंगे सर? नो, नॉट फॉर मी, अभी ड्राइव भी करना है भाई। डोंट वरी सर, आप ड्राइवर बुला सकते हैं, गेट ड्राइव, ये आपको सेफली घर पहुंचा देगा। गेट ड्राइव सिर्फ ड्राइवर ही नहीं देती, देती है सुरक्षा का वादा। गेट ड्राइव कभी भी कहीं भी सिर्फ 10 मिनट में। थैंक यू गेट ड्राइव। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते, उनके लिए देश की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। वैसे ही जिनके जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल से बढ़कर कुछ नहीं। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल पीएम नरेंद्र मोदी के इस जज्बे को सलाम करता है। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। इतना परफॉर्मेंस प्रेशर मत डालो खुद पे, बड़े बुजुर्ग कहते हैं शौक उम्र देख के पालने चाहिए। जब एक्यूवास वेट गेनर हो पास तो आपको मिलती है दमदार बॉडी। सही बात, हाय एक्यूवास सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ दे दे प्यार। पूरा हुआ देश की संसद का संग्राम, जंग की घड़ी की तुंग हार दो। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं आपको, बीजेपी ने पार किया है बहुमत का आंकड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं बीजेपी 291 और कांग्रेस 125, अन्य 115 पर आ गए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही पीछे चल रहे हैं अपनी सीटों से। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया नकुलनाथ भी पीछे चल रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीट का ये पूरा मामला है। भोपाल में दिग्विजय सिंह
प्रज्ञा ठाकुर से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी ने पार किया है बहुमत का आंकड़ा, तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। एक बार टैली पर भी नजर डाल लेते हैं, मध्य प्रदेश की अगर टैली पर नजर डालते हैं तो बीजेपी 25 कांग्रेस 3 एसपी बीएसपी का खाता ही नहीं खुला, अन्य भी शून्य। और उत्तर प्रदेश के सिनेरियो की बात करते हैं तो बीजेपी 48 सीट पर, कांग्रेस 2 एसपी बीएसपी गठबंधन 14 सीट पर। छत्तीसगढ़ पर नजर डालिए, देखिए पहले यहां पे उलटफेर होता हुआ दिख रहा है, बीजेपी यहां पे 7 सीटों पर आगे चल रही है तो वहीं कांग्रेस 4 एसपी बीएसपी का खाता नहीं खुला, अन्य शून्य पर है। तो बड़ा उलटफेर भोपाल में दिग्विजय सिंह प्रज्ञा ठाकुर से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। तपन जी, खुशखबरी आपके लिए। देखिए इससे स्पष्ट समझ में आता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप नामदार परिवार से आते हैं और आपके वंशजों ने ये सीटें आपके नाम वसीयत कर दी हैं, तो अब का मतदाता इन फेरों में आने वाला नहीं है। वो काम चाहता है, वो चाहता है कि उसके जीवन में वो सभी सुख सुविधाएं आए जिसके सपने वो देखता रहा। और आप गौर करें कि इन्हीं बातों को लेकर के आप जो प्रमुख सीटें बता रही हैं, चाहे वो रायबरेली हो या अमेठी हो या गुना हो या और दूसरी सीटें, अभी हमारे भोपाल की सीट की भी आप जानकारी दे रहे हैं, मतदाता पूरी तरह से उसको चुनने के लिए तैयार बैठा है जो उसके लिए काम करना चाहता है और जिसने काम किया। और पिछले 5 वर्षों में माननीय मोदी जी ने वो करके दिखाया जो पिछले 55 वर्षों के कांग्रेस के सरकार में नहीं। तपन जी, रोकना चाहूंगी आपको, दर्शकों को बता दें कि 171 वोटों से रायबरेली से सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन पीछे चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, जो कांग्रेस में कभी हुआ करते थे, और पिछले ही साल अगर हम बात करें तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया और यहाँ पे कड़ी टक्कर देते हुए सामने नजर आ रहे हैं। और अगर हम थोड़ा और इसी चुनाव के आसपास की बात करते हैं तो काफी वहां पे पंचायत सदस्यों की लॉबिंग का भी मामला गरमाया हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने तमाम पूरे प्रशासनिक सर्जरी की मांग भी की थी और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले, और अगर बात की जाए तो सरकार के दबाव में आके काम करने के आरोप भी लगाए थे। तो 171 वोटों से यहाँ पे दिनेश प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं। तपन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मतलब स्पष्ट है, देखिए माननीय मोदी जी ने जिस तरह से कहा कि मैं सबका साथ और सबका विकास करूंगा, आप देखें जब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर दिए गए तो कोई जाति धर्म नहीं देखा गया, जब गैस कनेक्शन दिए गए तब कोई जाति धर्म नहीं देखा गया, या हमारी मुस्लिम बहनों के लिए जिस तरह से 3 तलाक कानून की बात आई और हलाला से गुजर करके जिस तरह से वो एक दुख की यात्रा को पूरा करती थी, हमारी सरकार उनके साथ खड़ी रही जबकि कांग्रेस ने और उनके गठबंधन ने उनके पीठ पर छुरा भोंक दिया। स्वाभाविक है ये सभी बातें जनता के मन को सुकून देती हैं जब उनके हित में हो, और ना हो तो चुभती हैं। और इसी बात का परिणाम हमको स्पष्ट दिखाई देता है मतदाता के मत के रूप में, जो रुझानों के रूप में हमारे सामने आ रहा है। अभी हमारे भाई स्वदेश जी कह रहे थे कि मतलब अभी तो रुझान है, और देखिए कुछ भी हो, रुझान जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल की ओर बढ़ रहा है, मतलब वास्तविकता की ओर बढ़ रहा है। और इसका ठीकरा अगर आप ईवीएम पर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दुर्भाग्य जी, बिल्कुल आप वास्तविकता की बात कर रही हैं। और राजस्थान से भी बड़ी खबर बता देते हैं, यहाँ पे बीजेपी का क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। पिछली बार जिस तरह का प्रदर्शन था इस बार भी उसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सारी सीटों पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। सुदेश जी, खबर तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप चाहे जिस तरह से यहाँ पे तपन जी कह रही थी कि नामदार और चौकीदार बनाम ये पूरा चुनाव कर दिया गया और अब जितनी भी सीटें हैं वो अब नामदारों की प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए बिल्कुल आपका कहना सही है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, निश्चित तौर पर हर छोटे बड़े नेता सबको सामने आना चाहिए। लेकिन मैं अक्सर से बात करूँ, सबसे पहले तो एक बात बताऊँ, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी थे, उन्होंने पूरा काम किया, वहाँ बहुत टाइम दिया, और हमारे संभाग में दतिया मैं भी कार्यक्रम में उनके में शामिल था, अभी फुटेज दिखा सकता हूँ, भिंड में भी था, मुरैना में भी था, उन्होंने सब जगह काम किया, जहाँ जहाँ उनकी जरूरत थी वहाँ हर जगह गए, और अपनी लोकसभा में टाइम दिया पर इतना न दे सके। पक्की बात है कि अभी हमारे विद्वान पत्रकारों ने कहा, हमारे अनिल सिंह जी ने, कि वो सिंधिया जी अपना क्षेत्र नहीं छोड़ पाए, तो ये बिल्कुल गलत है, उन्होंने सबके लिए काम किया। उस दिन उनका रोड शो पहले से डिसाइड था, अच्छा अच्छा रोड शो, बड़ा रोड शो था,
पहले से डिसाइड था, लेकिन दूसरे सप्ताह को वो साथ रहे और उनने अकेले भी. लेकिन सुनील जी ये भी तो देखिए ना कि अगर सोनिया गांधी 171 वोटों से पीछे चल रही है, जिस मतलब दिनेश प्रताप सिंह उनको आगे बढ़ाने में जब वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे तो गांधी परिवार का ही हाथ था, अब जब वो उनसे छिटक के अगर बीजेपी ज्वाइन करके अगर वो उसी पार्टी से कैंडिडेट होते हैं तो अब आप सोचिए. बड़ी खबर बता देते फिर आपसे इस सवाल का मैं जवाब लूंगी. बड़ी खबर इंदौर से इस वक्त बता रहे हैं अपने दर्शकों को, इंदौर सीट से बीजेपी के शंकरलाल ललवानी 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबलपुर सीट से बीजेपी के राकेश सिंह 54,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, खंडवा सीट पर बीजेपी के नंद कुमार सिंह को 22,000 वोटों की बढ़त मिली हुई है, ग्वालियर सीट पर बीजेपी के केजवल का 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और दुर्ग सीट पर बीजेपी के विजय बघेल भी आगे चल रहे हैं. तो बाकी में ये जो रुझान आ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की सेहत के लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं है सुदेश जी. देखिए जहां तक मैं समझता हूँ कांग्रेस कुर्सी के लिए कहीं काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कुर्सी के लिए और मैनेजमेंट के लिए काम करती है. अभी रुझान है, रुझान के बारे में हम निराश नहीं बैठेंगे, परिणाम आने दीजिए. निश्चित तौर पर जो हमारी उम्मीद है आशा है हमें जनता पर भरोसा है, जनता ने हमें निश्चित तौर पर चुना होगा और वो आज सामने दिखाई दे जाएगा. लेकिन हाँ मैं ये बता देना चाहता हूँ इनका मैनेजमेंट, क्योंकि जिन मुद्दों पर 2014 में माननीय मोदी जी आए थे, बहुत छोटी सी बात है, उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 2 लोगों को रोजगार ना दे सके, मैं नोटबंदी करके कालाधन लाऊंगा, हर व्यक्ति के खाते 15 लाख डालूंगा, नहीं डाल पाए. इनके दौरान जितने बाई इलेक्शन हुए इनकी सरकार के दौरान लोकसभा के, सभी हारे. मध्य प्रदेश का 2016 में रतलाम झाबुआ का जो चुनाव था वो भी भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री महोदय के विपरीत गई है सारी सीटें. उसके बाद 2017 में चुनाव मध्य प्रदेश में हुए, बाई इलेक्शन चारों बाई इलेक्शन मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती, जिसमें कोलारस, मुंगावली, अटेर और चित्रकूट चारों जीती. तो निश्चित तौर पर जनता से इन दूर जा चुकी थी. और जब चुनाव मेरी बात पूरी होनी प्लीज, जब 2014 के चुनाव में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इनको जबरदस्त सपोर्ट मिला था, जबरदस्त इनकी सीटें आई थी, तीनों इनकी सरकारें भी आई. उसके बाद हमने देखा 2018 में चुनाव आया तो इनकी तीनों सरकारें चली गई. इसका क्या कारण है? कारण ये कि ये जनता से दूर जा चुके. अभी जिन मुद्दों पर 2014 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय आए थे, मैं वो पूरी कर लूंगी बात, एक मिनट दीजिए बस. जिन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच 2014 में आए थे, उन मुद्दों पर इन्होंने कोई काम नहीं किया, इन्होंने मुद्दा भटकाया, राष्ट्रवाद की बात लेकर आए. हो सकता है निश्चित तौर पर देश का मतदाता समझ रहा हो सर्जिकल स्ट्राइक. अब सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के जमाने में ये सेना का काम है, 6 बार हुई है, 6 बार, लेकिन उसका पोलराइजेशन कभी नहीं किया. मैं यहाँ तक मानता हूँ पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2 सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, पर ये पोलराइजेशन नहीं किया उन्होंने. लेकिन माननीय मोदी जी तो ऐसे जैसे वहाँ खड़े थे और उनके अमित शाह जी बोलते हैं इतनी लाश है फलाना ढिमका, तो ये सब सारी चीजें मुद्दों से भटकाने का इन्होंने काम किया है. लेकिन आज भी हमें उम्मीद है ये शुरुआती रुझान है, यूपीए की सरकार देश में बनने जा रही है. दुनिया कायम है सुरेश जी, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है. मेरा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 2018 में सरकार बनाई, ठीक है सरकार बनाई है, सरकार चल रही है. अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया जाए तो आपको वो आंकड़ा ना राजस्थान में मिला ना ही मध्य प्रदेश में. नेक टू नेक फाइट दोनों ही स्टेट में आपको बीजेपी ने यहाँ पे दी है. यहाँ पे चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं था, जिस तरह से जो रिजल्ट आए थे उसमें ये लग रहा था कि इन दोनों स्टेट में जनता और बीजेपी के बीच चुनाव था. देखिए जनता इससे दुखी थी ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन कांग्रेस कभी कुर्सी के लिए नहीं काम करती, ये मैंने पहले भी कहा और दोबारा दोहरा रहा हूँ. उसके कारण आप सामने समझ लीजिए, जिस राज्य में इनकी 2 सीटें आई थी वहां इन्होंने तिकड़म करके सरकारें बनाई, इन्होंने झारखंड में क्या माहौल किया सर्कल कुर्सी के लिए. तो इनका काम है कुर्सी का, हमारा काम है देश और जनता के लिए काम करना. हम काम कर रहे हैं, जनता हमें प्रसाद के रूप में अगर कुर्सी देती है तो हम जनता के लौटाने का काम करते हैं. जिन्होंने मुझे दिया है मैं उनको लौटाऊं, अब जो देगी तो निश्चित काम करेंगे. दर्शकों को बता देते हैं और एक बार फिर से 542 सीटों के टैली पर हम नजर डाल लेते हैं. 300 का आंकड़ा यहाँ पे बीजेपी का दिख रहा है, 300 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 118 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, वहीं सपा बसपा गठबंधन 14 सीटों पर और अन्य 101 सीटों पर आगे. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बीजेपी 26, कांग्रेस 3, एसपी बीएसपी का खाता नहीं खुला है मध्य प्रदेश में और अन्य भी शून्य पर है. उत्तर प्रदेश में बीजेपी 50 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर, एसपी बीएसपी 17 और अन्य शून्य है. और बीजेपी
छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल पासा पलटता हुआ 8 सीटों पर बीजेपी आ गया है, कांग्रेस 3 पर खिसक गई है, एसपी बीएसपी का खाता नहीं खुला और अन्य शून्य। राकेश जी, जो रुझान आ रहे हैं वो तो चौंकाने वाले हैं, पहले तो कांग्रेस की बढ़त थी, अब सीधे सीधे कांग्रेस को पछाड़ती हुई बीजेपी 8 सीटों पर आ गए। निश्चित ही बहुत आश्चर्यजनक नतीजे हैं। मैं मानता हूं कि जो प्रारंभिक रुझान है वो हमारे अनुसार नहीं है, लेकिन अंतिम परिणाम का इंतजार हम लोग करना चाहेंगे और आत्मविश्लेषण का समय है कि इस प्रकार नतीजे उलट क्यों हो गए और 3 महीने के अंदर ही किस प्रकार की चीजें आई। अंतिम रिजल्ट का इंतजार करे बगैर मैं अंतिम टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अनुमान से बिल्कुल उलट है और जनता ने जो भी निर्णय दिया होगा वो शिरोधार्य है। लेकिन फिर भी राकेश जी, आप कह रहे हैं कि आकलन करना पड़ेगा, 3 महीने में ऐसा क्या उलटफेर हो गया कि जहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन वही रिजल्ट हम देख रहे हैं जो 2014 में हमने देखा था। देखिए 2014 में तो कांग्रेस केवल 1 सीट पर थी, अभी 3 सीट पर है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रारंभिक जो मैं ये मान पा रहा हूँ राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे स्थानीय मुद्दों से, इसलिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का रिजल्ट आया है। कौन सी सीटें हम हारे हैं, अंतिम चरण की सीटें हारे हैं या प्रथम चरण की हारे हैं, सवाल तो यही राकेश जी मानना होगा। जी जी, चौंकाने वाले रुझान, अनएक्सपेक्टेड। जी हाँ, जैसा आप कह रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए ये मुझे लगता है कि आत्मविश्लेषण का समय है। हमारी बहुत लोकप्रिय सरकार है, उन्होंने वादे भी पूरे किए हैं, जमीनी स्तर पे काम भी किया है, लेकिन प्रारंभिक चीजें जो मैं समझ पा रहा हूँ वो राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे होंगे और जनता ने ये समझा होगा कि राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह दी जाए, स्थानीय सरकार हमने बना ली है वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम ये चाहते थे कि हमारी कांग्रेस की सरकार केंद्र में बने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। अभी जो नतीजे आ रहे हैं वो हम लोगों के लिए चौंकाने वाले तो हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें फिर से तैयारी करके यहाँ पर जमीनी स्तर की लड़ाई की तैयारी करनी होगी और राष्ट्रीय मुद्दों को हम कैसे जनता के बीच ले जाएं इसकी एक साफ रणनीति बनानी होगी। बिल्कुल, वाकई में कैसे तैयारी करनी होगी। तपन जी, यहाँ पे आप बीजेपी और साथ ही पूरे एनडीए जितने भी घटक दल है उनकी तैयारी वाकई में बेहद अच्छी थी कि 303 पे सीटों पर आप लोग आके चल रहे हैं। देखिए रश्मि जी, अभी तक क्या होता रहा कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को लेकर के अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए योगदान का गान कर करके कांग्रेस भारत देश की जनता को भ्रमित करती रही और भारत देश की जनता इस भाव से ठगी भी जाती रही। जबकि अगर आप देखें तो चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, उसके सामने किस तरह से हम घुटने टेकते रहे, या अमेरिका है वहां हमारे देश के बड़े लोग जाते थे, हमारे देश के राजनीतिक बड़े पद के लोग जाते थे तो उनको किस तरह के अपमानजनक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था। लेकिन वहीं अगर आज आप गौर करें तो हमारे देश के नेताओं के लिए रेड कार्पेट बिछाता है और अमेरिका और चीन और पाकिस्तान को जिस तरह से हमने उठा करके पटकनी दी है, कहीं ना कहीं ये कूटनीति के तहत हुआ। मोदी जी ने उस कूटनीति के तहत यात्राएं की, सबको अपने साथ खड़ा किया, सभी के सामने अपना विषय रखा। पाकिस्तान जिन बातों को लेकर के रोना रोता रहता था और वास्तव में गलती उसी की हुआ करती थी, चीन की गलती हुआ करती थी, लेकिन हम लोग अपना पक्ष इतनी अच्छी तरह से रखते ही नहीं थे कि विश्व का समुदाय हमारे साथ खड़ा हो, लेकिन आज सभी हमारे साथ खड़े हुए हैं ये हम लोग देख रहे हैं। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि कांग्रेस कहती है कि मोदी जी ने राष्ट्रवाद का रट रटी। देखिए ये तो कांग्रेस के लिए शर्म की बात है कि इन 70 वर्षों में आपको ये बात क्यों नहीं सिद्ध कर सके आप कि राष्ट्रवाद ही सबसे बड़ा है। राष्ट्र है तब हम हैं, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद हम लोग आते हैं। अगर हमारा सम्मान, हमारी निश्चिंतता, हमारी सुरक्षा, हमारा स्वाभिमान हमारे साथ नहीं है, जिसके लिए हमारे पुरखों ने बलिदान दिए, कैसी कैसी लड़ाइयां लड़ी, ये इतिहास में दर्ज है, स्वाभाविक है। इन सभी के साथ ही साथ जब आप गौर करते हैं तो आप ये पाते हैं कि माननीय मोदी जी ने कुर्सी का लालच कभी नहीं करा। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब नोटबंदी की गई उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव था, लेकिन माननीय मोदी जी को लगा कि नोटबंदी बहुत आवश्यक है, काले धन पर रोक अगर लगाना है तो नोटबंदी करना होगी, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें बिंदास नोटबंदी की और हम लोग उत्तर प्रदेश जीते।
जीएसटी जिस तरह से लागू की गई उसके बाद भी अगर आप गौर करें तो गुजरात के चुनाव थे और व्यापारी वर्ग रहता है गुजरात में, उसने जातिवाद के इतने बड़े भ्रम को जिसमें तीन लोगों को भड़का करके जातिवाद के अंतर्गत कांग्रेस जिस तरह से गुजरात में उतरी, चाहे वो हार्दिक पटेल हो या अल्पेश जी हो या जिग्नेश जी हो, तो आप देखिए ये सब होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में सरकार बनाई। या आप अभी जिस तरह से देखें कि पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद 10-12 दिन बाद हमने बालाकोट किया। अगर कांग्रेस मोदी जी पर यह दोषारोपण करती है कि बालाकोट को भुना रहे हैं मोदी जी, लेकिन अगर आप उन 10-12 दिनों पर गौर करें तो क्या कांग्रेस पुलवामा को भुनाने की कोशिश नहीं कर रही थी? क्या कांग्रेस बार बार ये रट नहीं रट रही थी कि देखिए हमारे 40 जवान शहीद हो गए, भारत देश की सरकार क्या कर रही है? लेकिन हमने सेना की इच्छा के अंतर्गत उनको ये फ्री हैंड दिया कि जाइए योजना बनाइए और मार करके आइए, और बालाकोट हुआ। और निश्चित है कि अगर परिणाम सकारात्मक आए, हमारे एक भी जवान का नुकसान नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई नकारात्मक परिणाम नहीं आया, तो कितना अच्छा हुआ। लेकिन मान लीजिए अगर 1% भी ऐसा कुछ हो जाता जो कांग्रेस को मौका मौका के रूप में दिखाई देने लगता, तो ये लोग क्या उसको भुनाने का प्रयास नहीं करते? दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि जब देश की सुरक्षा का मामला आ जाता है और आपके मन के अनुकूल परिणाम नहीं आते तो आप सेना पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, सेना के द्वारा किए गए स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, जबकि आपको तो चाहिए कि आप सेना के काम को बढ़ चढ़ करके गान करें, विश्व के सामने प्रदर्शित करें कि हमारी सेना तो इतनी मजबूत है कि हम गए और हजार लोगों को मार करके आए। लेकिन 300 कह दिया और उसको अमित शाह जी ने 300 का आंकड़ा कह दिया और उसको ही बुनाने में लग गए। अरे ये तो हमारे देश के लिए गौरव की बात है। बात आंकड़े पर जाते हो आप, अरे ये तो सेना के गौरव की बात है, हमने अपने सेना का मान बढ़ाया, हमारी सेना ने उससे ज्यादा लोग मारे हैं। जबकि आप देखते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से उस घटना को छुपा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा था, किस तरह से 20-25 दिन वो अनर्गल विलाप करता रहा, स्पष्ट समझ में आता है कि वहां हुआ ये सब कुछ। लेकिन चूंकि चुनाव सामने है, मोदी जी को आपको हराना है, केवल मोदी जी आपका टारगेट है और सत्ता की कुर्सी आपको प्राप्त करनी है, तो आपने इस तरह से देश को अपमानित किया। न केवल देश में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जिस तरह के बयान दिए गए हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए जो परिणाम आ रहे हैं स्वाभाविक है, मतदाता ने मत डाला है, परिणाम सामने आ रहे हैं। जो भी परिणाम सामने आएंगे उनका भारतीय जनता पार्टी हृदय से स्वागत करेगी। या आप विधानसभा के चुनाव में भी देख सकते हैं, देखिए ईवीएम पर प्रश्न करना हमारा हक है, हर मतदाता का, हर चुनाव पार्टी का हक है, उसको कोई समस्या आ रही है तो वो बिल्कुल करे। लेकिन दुख की बात वहां हो जाती है जब आप कहते हैं कि ईवीएम चोर, दुख की बात वहां आ जाती है जब आप कहते हैं कि हमारे मन के अनुकूल परिणाम नहीं आए तो हम सड़क पर खून बहा देंगे, हम हथियार लहराएंगे, और तब लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखाई देता। कांग्रेस के नेता इस पर चुप्पी साध जाते हैं, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जिसकी हम लोग भत्सना करते हैं। और हम मतदाता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उसने माननीय मोदी जी के पिछले 5 वर्षों के काम पर वोट दिया है और रुझानों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आगे है, आगे चल रही है। एक बार चलिए फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, मध्य प्रदेश से बीजेपी 27 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 2 सीटों पर, SP BSP का अभी तक खाता नहीं खुला, अंडे भी शून्य। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी 50 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 2 सीटों पर, SP BSP 17, अन्य शून्य। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 8 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और SP BSP का यहां खाता नहीं खुला है। डिबेट को एक बार फिर से आरपी श्रीवास्तव जी ने ज्वाइन कर लिया। आरपी जी, जीतने का मजा तब आता है जब सब आपको हराने की कोशिश में जुटे रहते हैं, और शायद पूरा विपक्ष एक साथ हो गया और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उभर कर निकल आए, जिसका नतीजा ये हम सब देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा रस्क आपने, जीतने का मजा तब आता है जब विपक्ष एकजुट हो जाता है। लेकिन एक बात और भी है जिस पर ध्यान देने की बात है, हमेशा सत्ता पक्ष के खिलाफ ही विपक्ष एकजुट होता है, चाहे पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है। और जब भी कोई एक स्ट्रांग लीडर, या जैसे अभी देश में हमारे यहाँ का, चूंकि व्यक्ति केंद्रित राजनीति यहाँ रही है, अगर कोई स्ट्रांग लीडर सामने खड़ा और उसके सामने कोई ऐसा लीडर नहीं उभर के सामने आता, विपक्ष में कोई ऐसा नेता सामने नहीं आया, तो निश्चित रूप से जनता एक मत बनाती है और वो मत ये बनाती है कि आखिर लीड कौन करेगा। ये देश का चुनाव है, कभी ये जो है पंचायत और ऐसा चुनाव नहीं है कि यहाँ पर कोई फ्रैक्चर मैंडेट दे। आपने देखा होगा
2009 में, इसके बाद 4 में, इसके बाद जब अटल जी थे, मतलब एक चेहरा सामने था और उस चेहरे को फोकस करके वोट किया गया। अभी चूंकि विपक्ष एकदम बिखरा हुआ था, गठबंधन हुए, छोटे छोटे गठबंधन को भी महागठबंधन बना दिया गया, जिसका परिणाम सामने है। तो विपक्ष हमेशा एकजुट होकर के किया था, जब जनता पार्टी बनी थी तब भी विपक्ष एकजुट था और सामने एक एक कांग्रेस पार्टी थी। तो आज वो स्थिति लगभग, सर जी आपको सिर्फ चंद सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर अपने दर्शकों को अपडेट कर देते हैं। टीएमसी से 20 पश्चिम बंगाल के रुझान बता देते हैं, जहां पर बीजेपी 15 सीटों पर आगे चल रही है, टीएमसी 20 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस महज 2 सीटों पर आगे चल रही है। और बिहार की अगर बात कर लेते हैं तो बीजेपी 36 सीटों पर आगे चल रही है, तो वही और एक और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है कि रायबरेली से एक बार फिर से सोनिया गांधी 7000 वोटों से आगे हो गई हैं। तो बड़ा एक बार फिर से बना लिए श्रीवास्तव जी। तो मेरी मैं जो जिस बात को कह रहा था कि जब व्यक्ति केंद्रित चुनाव हो जाता, आपने देखा होगा कि पार्टी इस चुनाव में नहीं थी, अराजक में सिर्फ एक व्यक्ति केंद्रित चुनाव था। मोदी जी पूरी लीड कर रहे थे, वहां न भाजपा न अन्य दल किसी का ये नहीं था और पूरा चुनाव एक ही चीज पर फोकस किया था। विपक्ष भी सारा जो है पार्टी लेवल पर व्यक्ति केंद्रित जो प्रहार कर रहा था। तो मेरा ये कहना है कि जब भी ऐसी स्थिति आती है और खास करके अपने देश में, तो निश्चित रूप से कैरेक्टर की तरफ देखने की कोशिश की जाती है। 2-3 बार देश ने प्रयोग किया था, जब आपने देखा होगा कि जब 89 में चुनाव हुआ था, 89 में, तो उनके सामने राजीव गांधी के सामने विश्वनाथ प्रताप सिंह को, मतलब आप सोच लीजिए कि ऐसे ऐसे दल को केंद्रित करके चुनाव लड़ा गया जिसमें जो है हार का सामना राजीव गांधी को करना पड़ा। तो ये सारी बातें होती हैं जब भी। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से राष्ट्रवाद को लेकर के मोदी जी ने फोकस किया और पूरे देश भर में एक जो है संदेश देने की कोशिश किया कि देश सबसे ऊपर है, और इस बात को लोगों ने स्वीकार किया। आप देखिए, यहाँ मुद्दे नहीं थे चुनाव में, मतलब कोई स्थानीय मुद्दे नहीं थे, डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही थी, सिर्फ एक ही बात हुई थी, राष्ट्रवाद, और दूसरा पक्ष जो है एक जो स्थानीय जो अन्य मुद्दों पर लेके सामने आ रहा था, तो बड़ा फीका पड़ रहा था। तो निश्चित रूप से जो है मोदी जी पूरा सफल रहे पूरे देश को समझाने में। अब परिणाम तो खैर अभी आने में, राष्ट्रवाद का मुद्दा इतना हावी हो गया कि वो बड़ा था, हमें यहाँ पे रुझानों में देखने को मिल रही है। बहुत सारा उलटफेर होना होगा, ऐसा नहीं है, कई जगहों पर मैं अभी देख रहा था कहीं 200-500 लोकसभा में 200-500 मतों से आगे पीछे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, एक बार हम अपने दर्शकों को अपडेट कर देते। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से आगे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। और वहीं सोनिया गांधी भी आपको बता दें रायबरेली से आगे चल रही हैं, सोनिया गांधी 7324 मतों से आगे चल रही हैं। और सतना में भारतीय जनता पार्टी 20,000 मतों से आगे चल रही है। तो एक बार फिर से टैली पे नजर डालते हैं, बीजेपी 27 सीटों पर आगे मध्य प्रदेश में चल रही है और जयप्रदा आगे चल रही है रामपुर लोकसभा सीट से, यहाँ पे जयप्रदा भी आगे चल रही है। अनिल जी, हाई प्रोफाइल सीट काफी, अगर इस पूरे लोकसभा चुनाव में अगर हमने सबसे ज्यादा कहीं विवादित बयान देखे तो रामपुर लोकसभा सीट से ही देखे, जहां पे तमाम बयानों का स्तर नीचे जाता हुआ दिखा हमें। बिल्कुल, चूंकि आजम खान सपा उम्मीदवार हैं तो निश्चित तौर पर आजम खान विवादों में रहे हैं और एक कम्युनिटी वोट वो लेती रहे हैं। लेकिन आजमगढ़ में एक बात यह भी देखने में आई थी, जब सपा की सरकार थी तो आजम खान जब मंत्री थे तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी के गरीब जो परिवार हैं उनके जो आरोप लगते रहे आजम खान पर कि वो अपने उन गरीब परिवारों के मकान उजाड़ दिए, रास्ता बनाने के लिए उनके घर तोड़ दिए गए, सैकड़ों लोग ऐसे परेशान रहे, तो जब कम्युनिटी पर पकड़ छूटने लगती है तब ये बात उठती है कि उस कम्युनिटी को कैसे एक छतरी के नीचे लाया जाए, तब ये इस तरह के बयान जो है वो मददगार साबित होते हैं, ऐसा नेताओं का मानना है, कई बार ऐसा होता भी है। तो मुझे लगता है आजम खान इसीलिए इस तरह के उजुर फुजुर उनके बयान आते रहे हैं। लेकिन जनता निश्चित तौर पर अब, चूंकि आपने देखा 8 करोड़ मतदाता युवा हैं, जिनमें 1.5 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार, 8 करोड़ पहली बार वोट डाले, लेकिन 1.5 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो 18 से 19 साल के हैं। तो अब मतदाता पढ़ा लिखा है, समझता है, सोशल मीडिया में चीजों को समझता है, डिबेट करता है,
तो ऐसे में अब इनको बरगला पाना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, इस तरह के बयानों को अगर अब तक तारीफ होती रही है या सराहना मिलती रही है, कुछ लोग इसको मदद करते रहे, तो अब नया जो नई पीढ़ी है वो नकारने की क्षमता भी रखती है। तो मुझे लगता है इस बात को कहीं ना कहीं कितने लोग आजम खान के पक्ष में आए होंगे वो नतीजे जब आएंगे उसका साबित होगा। लेकिन यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार भी था, कांग्रेस का उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं आजम खान को माइनस कर रहा था, और हो सकता है इस कारण जयप्रदा आगे चलिए। मतलब जिस तरह से हमने प्रियंका गांधी वाड्रा का स्टेटमेंट भी सुना था और उन्होंने कहा भी था, जब मीडिया ने एक सवाल उनसे पूछा था वोट, तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे अगर कुछ बेटर नहीं करेंगे तो बीजेपी का जरूर वोट काटेंगे। राकेश जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर छत्तीसगढ़ में हमने तमाम वो मुद्दे देखे, सीएम भूपेश बघेल ने भी जमकर कटाक्ष किया और पीएम मोदी को सीधे भूपेश बघेल बनाम प्रधानमंत्री का चुनाव बना दिया था, चौकीदार बनाम छोटा आदमी का चुनाव बना दिया था, तो क्या लगता है कहीं स्ट्रैटेजी में कोई कमी रह गई जिसकी वजह से जो रुझान होना चाहिए था अब वो हमें नहीं दिख रहा? देखिए, जो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे थे उनको लेकर जो हमारे केंद्र सरकार से मतभेद और मनभेद रहे, उस बात को हमने बहुत सफलता से उठाया और उसके कारण हमको विधानसभा में जीत मिली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब लोकसभा की बारी आई तो राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय मुद्दों पर हावी हो गए, उसके कारण इस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रदेश सरकार है वो स्थानीय मुद्दों पर यदि किसी प्रकार के भेदभाव हो रहा है और प्रदेश के हितों की अनदेखी हो रही है, तो प्रदेश सरकार को पूरा हक है कि वो केंद्र सरकार से या केंद्रीय नेतृत्व से इस बात को रखे कि हमारे प्रदेश की हित की अनदेखी हो रही है और उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और इसमें यदि किसी प्रकार की सैद्धांतिक लड़ाई लड़ने की जरूरत है तो मुझे लगता है कि इस पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए प्रदेश सरकार या प्रदेश नेतृत्व की तरफ से। मैं ये मानता हूं कि जो मुद्दे रहे वो राष्ट्रीय मुद्दे रहे, लेकिन स्थानीय मुद्दों और प्रदेश के हित के मुद्दों को लेकर हमारी कांग्रेस सरकार और भूपेश बघेल की सरकार आगे भी प्रदेश के हितों के लिए लड़ती रहेगी, ये मैं अपनी पार्टी की तरफ से यहाँ कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप आश्वस्त करा रहे हैं, लेकिन फिर भी कैंपेनिंग में हमने देखा था कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ और न्याय योजना, इनमें से कोई भी कारगर साबित नहीं हो पाई कि जितने भी जो लोग सभाओं में जा रहे थे सुनने के लिए देखने के लिए सब वोटों में तब्दील हो, और आदिवासियों की जमीन वापसी का मुद्दा भी था वो भी कारगर नहीं हो पाया, और फिर पीएम मोदी जब अपनी सभा में आते हैं तो सभा में वो साहू समाज को खुद को साहू समाज से जोड़ते हुए कनेक्ट करते हुए देखे जाते हैं, तो क्या ये